हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। और बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन एसिडिक बफर्स है, तो वेरी सिंपल दो ट्रिक्स है रफ़ी सर के पास। पहला तो ये कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन में वीक एसिड का कुछ कंसंट्रेशन गिवन है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट का अगर कुछ कंसंट्रेशन है तो फिर वो एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, राइट। वीक एसिड कैसे पहचानेंगे, उसका इक्विलियम कांस्टेंट गिवन होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानेंगे कि उसका इक्विलियम कांस्टेंट नहीं गिवन होगा। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि आपको क्वेश्चन में वीक एसिड का कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगा, नहीं तो उसके कुछ अमाउंट गिवन होंगे या मोल्स गिवन होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ कंसंट्रेशन या अमाउंट या मोल्स गिवन होंगे। बट द कंडीशन इज कि ये दोनों जिस स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका मोल्स ज़्यादा होना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स आफ्टर द रिएक्शन आपका क्या बचेगा, सम अमाउंट ऑफ वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि आफ्टर द रिएक्शन एनालाइज करो, अगर वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट दोनों प्रेजेंट है तो एसिडिक बफर, या फिर बिफोर द रिएक्शन एनालाइज करो कि जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो वीक एसिड का मोल्स या कंसंट्रेशन ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये दोनों ही केस आप पहचान लोगे वेरी इजिली कि ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। एसिडिक बफर के क्वेश्चन का पीएच कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड कौन सा, जो लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन जो बचा है, जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग में गिवन है वो नहीं, रिएक्शन होने के बाद कितना बचा वो पुट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आफ्टर द रिएक्शन है तो जो गिवन है वो पुट करेंगे, क्लियर है। पी के ए कैसे निकालेंगे, अगर के ए गिवन हो तो के ए ऑलवेज आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, जो कि सम एक्स इंटू 10 की पावर माइनस वाई होगा। तो पी के क्या हो जाएगा, ये वाई को आगे ले आना है इंटीजर टाइप में और माइनस में लॉग एक्स हो जाएगा, राइट। इसका भी ट्रिक्स मैं लॉग कैलकुलेशन में दे रखा हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलती होती है वो इस पॉइंट पे होती है, कंसंट्रेशन ऑफ, हमने एनायन लिखा, बहुत सारे बुक यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है। कैसे, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन का मतलब जो भी आपका सॉल्ट है उसको आप ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद एनायन का कंसंट्रेशन आप लेंगे, राइट। अगर वो सॉल्ट 1:1 रेशियो में ब्रेक होता है तो जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वही एनायन का होता है, इसलिए उस कंडीशन में वो करेक्ट है। बट जैसे इस केस में मैंने स्पेशली ये लिया है, यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन सी डैश है तो एनायन का 2C- होगा, क्यों, क्योंकि इसके एक मोल से इसका कितना मिल रहा है, 2 मोल्स, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ एनायन पुट करना है। अगर वो सॉल्ट 1:1 रेशियो में ब्रेक हो रहा है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, बट अदर रेशियो में ब्रेक हो रहा है तो आपको ध्यान देना है। और इस सॉल्यूशन का आंसर आपको ऑलरेडी क्लियर है कि 7 से लेस आएगा, पीएच 7 से लेस होगा क्योंकि एसिडिक बफर है। इसका एग्जैक्टली दूसरा पार्ट है, डैट इज बेसिक बफर। तो सब कुछ को आपको क्या कर देना है, रिवर्स मैनर में सोचना है। बेसिक बफर में बेस अब वीक होना चाहिए, ध्यान दें, अगर एसिडिक बफर बोलेंगे तो एसिड वीक होना चाहिए, बेसिक बफर में बेस वीक होना चाहिए और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन एक्स और इसका वाई है, तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है डैट मीन्स वो बेसिक बफर का क्वेश्चन है। या फिर दूसरा तरीका है पहचानने का कि आपको वीक बेस गिवन होगा, ये कैसे पहचानोगे, इसका आपको केवी गिवन होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको गिवन होगा, ये कैसे पहचानेंगे, इसका इक्विलियम कांस्टेंट गिवन नहीं होगा। तो अगेन इनके कंसंट्रेशन या इनके मोल्स शुड बी ग्रेटर देन एसिड के कंसंट्रेशन या मोल्स होंगे तभी ये बेसिक बफर होगा। बेसिक बफर में पीएच कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट पीएच नहीं आएगा, पीओएच आएगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। यहाँ पे पीएच था तो यहाँ पे पीओएच कर देना, यहाँ पे पीकेए था एसिड वीक था उसका इक्विलियम कांस्टेंट, यहाँ पे पीकेबी हो जाएगा बेस वीक है तो बेस का इक्विलियम कांस्टेंट, प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे एनायन था तो यहाँ पे कैटायन हो जाएगा, यहाँ पे एसिड था तो यहाँ पे बेस होगा। सबको रिवर्स मैनर में कर देना है, के होगा तो केबी से रिप्लेस कर देना है, एनायन है तो कैटायन से, एसिड है तो बेस से, पीएच है तो पीओ से। तो यहाँ से पीओएच निकला, पीएच निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 14-पीओएच से, राइट। अगेन सेम पॉइंट, केबी अगर आपको इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हो तो क्या हो जाएगा, पी के बी जेड माइनस लॉग टी, राइट।
अगेन यहाँ पे कटायन का कंसंट्रेशन पुट करना है, सॉल्ट का नहीं। सॉल्ट का नहीं इसलिए क्योंकि अगर सॉल्ट कैसे ब्रेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 1:1 में होगा तो फिर वही पुट कर सकते हैं। बट जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके एक मोल से आपको इसका 2 मोल्स मिलने वाला है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन C1 है तो एक्चुअली इसका कंसंट्रेशन कितना पुट करना पड़ेगा आपको, 2C1। इसलिए ये ध्यान रखना है। अगेन इसका आंसर का रेंज आपको क्लियर है क्योंकि pH 7 से ग्रेटर होगा, तो जो ऑप्शन गिवन होंगे तो उसमें pH 7 से ग्रेटर वाले ही हम टिक कर पाएंगे, और या pOH 7 से लेस होगा। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि बेसिक बफर में पूछ क्या रहा है, pH या pOH, राइट। तो ये हमारा ट्रिक का पॉइंट। अब हम अप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में 20 ml 0.1 molar NaOH इज एडेड टू 50 ml 0.1 molar CH3COH। pH आपको बताना है, pKa गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ करके मैं कैसे आइडिया लगा रहा हूँ कि ये एसिडिक बफर का, कैसे ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले क्या गया है, बेस दिया NaOH और इसका के भी नहीं दिया, डेट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक एसिड दिया है, इसका pKa गिवन है मतलब वीक एसिड है। और ध्यान दे दोनों का एक तरह से आपको मोल्स गिवन है, तो विनो की NaOH और CH3COH जब रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट CH3CONa सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका कितना ध्यान से देखो, 20 × 0.1, तो राइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 mmol, राइट, ये 2 mmol है। एसिड के कितने ध्यान से देखो, 15 × 0.1 करेंगे तो इसके 5 mmol है। दोनों 1:1 रेशियो में रिएक्ट हो रहा है, तो आफ्टर द रिएक्शन ये तो 0 हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएंगे, ये 3 बचेगा, इसका 2 mmol बनेगा, राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट और वीक एसिड बच गया क्योंकि बेस तो ख़त्म हो गया। तो ऐसे केस में आपको बता रखा हूँ हमारे पास फार्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू pKa जो ऑलरेडी गिवन आपको 4.76 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इसके मिली मोल्स बाई टोटल वॉल्यूम। ध्यान दें टोटल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 20 + 50 = 70 ml, बट इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कैसे लिखेंगे तो 2/70, चूँकि ये भी मिली मोल्स में था वो भी ml था, कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएंगे कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड कौन सा, लेफ्ट वाला, तो ये हो जाएगा 3 mmol/70। इसलिए आप वॉल्यूम को ऐड करके डिवाइड नहीं भी करो तो भी दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, वॉल्यूम कैंसिल हो जाते हैं इसलिए डायरेक्ट आप मोल्स में सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये कितना हो गया ध्यान से देखो, 4.76, ये लॉग 2 होता है 0.3 और लॉग 3 माइनस में हो जाएगा 0.48, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कितना जाएगा, ये 4.58 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में Ka आपको गिवन है, राइट, 25 ml 0.2 molar, देखो सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट इज मिक्स विद 25 ml 0.02 molar एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, pH 5 गिवन है, तो Ka बताना है क्योंकि आपको Ka पूछा है, डेट मीन्स ये वीक एसिड हो गया, बेस कार में कुछ नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो अगेन ये एसिडिक बफर का, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट आपको आफ्टर द रिएक्शन का कंडीशन गिवन है क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन है और वीक एसिड का। तो अगेन सेम फार्मूला, pH 5 है, तो pH इज इक्वल टू क्या था, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाई एसिड, pH आपका गिवन है डेट इज 5, pKa आप निकालेंगे तो अभी रहने देते हैं ऐसे, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, एनायन का कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो ध्यान दे इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को, तो 0.2 × 25 कितना हो जाएगा, 5, राइट, डिवाइडेड बाय, अभी भाई बताया कि वॉल्यूम डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे, और एसिड का, तो एसिड का कितना हो जाएगा, 25 × 0.02 डेट इज 0.5, तो राइट ये आ जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 5 = pKa, राइट, और प्लस 1, तो यहाँ से pKa कितना आ गया, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 4, तो इसलिए Ka कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁴। तो इसलिए ये x पूछा था हमसे, तो हमें 10⁻⁵ में ले जाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10⁵, इसलिए x आ जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 3 में pH 4 गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय कंसंट्रेशन एसिड का रेशियो बताना है, Ka आपको गिवन था 1.3 × 10⁵, और ऑप्शन आपको गिवन है। तो
तो अगेन आप देख सकते हो पीएच और ये चीज़ें हैं, और डेफिनेटली ये एसिडिक बफर है, राइट। तो एसिडिक बफर में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पीएच 4 हो गया, डैट इज पी के ए। तो पी के क्या हो जाएगा, 5 माइनस लॉग 1.3, आपको डायरेक्ट बता रखा हूँ के गिवन है, तो प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ डैट एन आयन बाई एसिड, ये रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि चूंकि हमारे पास तीन अननोन है तो उसमें से कोई दो दे करके तीसरा पूछ सकता है, राइट। ये एक उसमें से एक टाइप हो गया। नाउ आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस ऑफ लॉग 1.3 प्लस लॉग, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, इस रेशियो को निकालना हमें, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं लिखूंगा लॉग 10 की पावर माइनस वन, राइट। तो ये माइनस वन हो जाएगा, लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको लिख सकता हूँ लॉग ए बाई बी, तो एक्स बाई 1.3, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस वन, डेट इज 0.13, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, चूंकि हमारे पास जो फार्मूला है pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एनायन बाई एसिड, तो इसमें ध्यान से देखो ये एक अननोन है, ये एक अननोन है और ये एक अननोन है, तो कोई तीन दे करके आपसे दो पूछ सकता है, तो उसी में से ये एक वन ऑफ द टाइप था। तो इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना बेटा, पहले वाले में क्या हो रहा है कि आपको एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, अब जरूरी नहीं कि मोलारिटी वॉल्यूम दे, इसके मोल्स दे सकता है, इसका अमाउंट दे सकता है, राइट। एनी हाउ किसी तरीके से करके इसका मोल्स निकाल लेना है और इसका मोल्स फिर रिएक्शन करानी है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या लेफ्ट हुआ। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको एसिड, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, डायरेक्ट मोल दे सकता है, मास दे सकता है, राइट। तो कंसेप्ट सेम रहेंगे, क्वेश्चन को डिफरेंट वे में दे सकता है वो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 डेट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है, 50 ml 1 molar HCl इज मिक्स विद 30 ml 1 molar NaOH और आपको pH बताना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे के ए के भी नहीं गिवन है, डेट मीन्स दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो HCl रिएक्ट करेगा जब NaOH से, तो आपको मालूम है सॉल्ट NaCl प्लस वाटर बन जाएंगे। HCl का कितना है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो 50 ml हो जाएगा, ml में ही रखो अभी, और NaOH का कितना है 30 × 1, तो 30 ml है। तो ये तो स्टार्टिंग, आफ्टर द रिएक्शन इसका 20 बच जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये जीरो होंगे और इसके कितने बन जाएंगे 30। अब बच्चे क्या लगा देते हैं कंसेप्ट कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्ट है और एसिड बचा हुआ है, बेटा ये जो एसिड बचा है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं होगा, ये सिंपल एसिडिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया। और ये सॉल्ट का तो पीएच वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच 7 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीएच को डिसाइड ये करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट एच प्लस मिलेगा क्योंकि ये 1:1 रेशियो में, तो डायरेक्ट एच प्लस आपके पास कितना है, ध्यान से देखो 20 ml डिवाइडेड बाई, ये तो मिली मोल्स है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो गया 1/4, तो H प्लस हमको कितना आ गया कंसंट्रेशन में 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 10⁻²। तभी आपको बताया था pH कैसे लिखेंगे, 2 माइनस log 25, log 25 को 5^2 लिख सकते हैं, 2 log 5, log 5 होता है 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1.4, डैट इज आंसर विल बी 0.6। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा कि कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, तो ध्यान से देखो 1 में 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 100 ml 0.1 मोलर NaOH है, चूंकि ये 1:1 रेशियो में रिएक्ट होते हैं, तो जितना आपने एसिड का मोल लिया उतना ही बेस का मोल है, तो ये सिर्फ सॉल्ट बनाएंगे आफ्टर द रिएक्शन, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये एसिडिक बफर नहीं होगा, राइट। ऑप्शन बी में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे HCl और NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ये भी नहीं बना सकता, यहाँ पे ये वीक एसिड था और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा एसिड से, इसलिए ये नहीं बना सकता, जबकि वीक एसिड का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 को चेक करो, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, तो पहले रिएक्शन हो जाएगा कैसे, ध्यान से देखो CH3CONa प्लस HCl गिव्स यू CH3COH प्लस NaCl, आपको बताया था कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा, बट वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, तो यहाँ पे इसका जो है ध्यान से देखो 200 × 0.1 है, मतलब 20 है, और इसका जो है वो
100 इंटू 0.1 मतलब 10 है, तो आफ्टर डायरेक्शन ये 10 बचेगा और ये भी आपका बाय द वे 10 बन जाएगा। तो आफ्टर डायरेक्शन ध्यान से देखो, आपके पास वीक एसिड बचा और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, तो इसका मतलब ये एसिडिक बफर हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते, तो 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, आफ्टर द रिएक्शन आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पीके वीक एसिड का गिवन था 4.5, पीओएच बताना है। क्वेश्चन में ये पॉइंट मेंशन था कि बफर सॉल्यूशन बन रहा है और वीक एसिड का, इन विच 50% एसिड आयनाइज हो रहा है। बस यहीं से समझना था, 50% आयनाइज होने का मतलब क्या हो गया कि वो एसिड का अगर 10 मोल लिया है तो 5 मोल्स रिएक्ट हो गया, 5 मोल्स बचा है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, जैसे HA लिया आपने और कोई स्ट्रॉन्ग बेस NOH लिया, राइट, तो आपका क्या बन जाएगा, NaA और H2O। इसका 50% आयनाइज होना, मतलब अगर मैंने इसका 10 मोल्स लिया था तो आफ्टर द रिएक्शन ये 5 बचेगा और इसका भी कितना बनेगा, 5। तो इस पॉइंट से ये समझना है कि 50% जब भी आयनाइज बोले तो जितना एसिड का कंसंट्रेशन होगा लेफ्ट वाला, उतना ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा अगर 1:1 है। तो इसीलिए इस केस में जो हम pH निकालेंगे, तो pH का हमारा फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाई एसिड। चूँकि यहाँ पे एनायन का कंसंट्रेशन एंड एसिड का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो लॉग 1 जीरो हो जाएगा, राइट। तो pH pKa के बराबर हो जाएगा, हमसे pOH पूछा गया है, तो pKa आपको गिवन है 4.5, तो pH कितना हो गया हमारा 4.5, तो pOH कितना हो जाएगा, 4.5 को माइनस कर देना कितना में से, 14 में से, तो कितना हो जाएगा डेफिनेटली ये 9.5। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये ध्यान रखना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन ध्यान से देखो, 50 ml 0.2 मोलर अमोनिया है, तो NH3 के कितने हो गए टोटल मोल्स, 50 × 0.2 कर दो तो 100, डेट इज 10। और HCl के आप अगर निकालोगे तो 25 × 0.2 कर दोगे तो ये 5 मिली मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों का मोल्स सेम नहीं है, बेस का ज़्यादा है, तो ये बेसिक बफर बनेगा। और बेसिक बफर बनेगा तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आफ्टर द रिएक्शन जब NH3 और HCl रिएक्ट कर जाएंगे तो जब आपको NH4Cl मिलेगा, तो यहाँ पे इसके 10 थे, इसके 5 थे, आफ्टर द रिएक्शन ये 5 बच जाएगा और इसका 5 बनेगा, राइट। तो अगेन दोनों का क्या हो गया, 1:1 कंसंट्रेशन सेम हो गया, इसीलिए pOH आएगा डायरेक्ट आपको, राइट। pOH कितना हो जाएगा, pKb जो आपको गिवन है 4.75, और प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और कंसंट्रेशन ऑफ बेस दोनों सेम ही है, तो इसको मैं डायरेक्ट जीरो कर रहा हूँ, लॉग 1 जीरो, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। तो pOH 4.7 है, तो हमसे क्या पूछा गया, pH, तो pH अगेन 14 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.25। क्वेश्चन नंबर 8 में विच कैन मेक बेसिक बफर, बेसिक बफर बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि वीक बेस होना चाहिए और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट। तो ध्यान से देखो, NH4H वीक बेस हो गया और ये एसिड है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है अगर इसका कंसंट्रेशन हम ज़्यादा लेंगे तो, राइट। बट ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नहीं हो सकता, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इससे एसिडिक बफर बन सकता है, बट बेसिक बफर पूछा गया तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होंगे। तो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये टोटल 8 प्रॉब्लम लिए डिफरेंट टाइप के, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि बेटा आपको ऐसे करना है। सारे टाइप को हमने कवर कर लिया है, यूनो की सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा नहीं सकता हूँ, वीडियो लेक्चर का लेंथ लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑल टाइप कवर कर लिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे यहाँ पे मैंने एक वीक एसिड लिया, कैसे, क्योंकि इसका के क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, कैसे, इसका के भी नहीं गिवन होगा, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर सकता है कि इसका मास दे देगा और इसका मास दे देगा, राइट। तो मास से आप क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, इसके भी मास से आप मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो में मोल्स है कि नहीं। अगर स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं, अगर इसके मोल्स ज़्यादा हैं इसके मोल से, तो सॉल्ट का कुछ ना कुछ मोल्स बनेगा, राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट प्लस जो लेफ्ट एसिड रहेंगे वीक एसिड, तो इसलिए सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक बफर, राइट। फिर इसका pH कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रखा हूँ, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बाय एसिड। यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये अननोन है
और ये दोनों अननोन है, तो कोई तीन दे करके चौथा पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज पीएच निकालने को बोला जाएगा, पीएच पीके दे करके इसका रेशियो बताओ, और मोल आप और कैसे निकाल सकते हो, तो मोलारिटी और वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन देगा, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मोल्स आ जाएंगे। तो बस ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन को लेंदी किया जा सकता है बट कंसेप्ट सेम रहेंगे, तो किसी भी तरीके से आपको पहले मोल्स निकाल लेना, फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे रेशियो है तो चूंकि वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकालोगे तो ऊपर नीचे कट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट मोल्स में भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो एसिडिक एंड बेसिक बफर्स आने वाले किसी प्रॉब्लम को आप इजीली कर लोगे। थैंक यू।